हर कोई घूमने का शौकीन होता है। अधिकांश लोग घूमने के लिए ऐसी जगह पसंद करते हैं जहां पेड़ों से घिरी वादियां हो, बहते हुए झरने, नदियां और प्राकृतिक हरियाली हो। और बहुत से लोग एडवेंचर के लिए खतरनाक जगहों पर जाने से भी नहीं डरते। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जहां जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, और ये जगह ऐसी है जहां से शायद कोई जिंदा शख्स लौट ना सके। आइए जानते हैं ऐसी कुछ जगह के बारे में। वोल्केनो टूर्स इन हवाई, यूएसए। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक प्रांत है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक टूरिस्ट प्लेस में से एक है। यहाँ पर चारों तरफ एक्टिव ज्वालामुखी है, और बताया जाता है कि दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी को इतनी करीब से देखा जा सकता है। माउंट किलाउला यहाँ का आखिरी सक्रिय ज्वालामुखी है जो 1983 के बाद कभी भी फट जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है जिसे मौना लोआ कहा जाता है। ये समुद्र तल से 13,680 फीट ऊपर है। यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसे घुमाने के लिए पर्यटन की व्यवस्था है, जो पर्यटकों को ज्वालामुखी दिखाने पास तक लेकर जाती है। यहाँ के टूरिस्ट लावा बहने वाली नदियाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर लावा धुंध के कारण पूरा एरिया काला दिखाई देता है, और कई लोगों ने यहाँ चट्टानों के उड़ने और समुद्र के पानी में आग लगने की भी सूचना दी थी। इस माहौल के कारण कोई भी डर सकता है। स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। ब्राज़ील स्थित एक आइलैंड दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में आता है। ब्राज़ील के साओ पाउला शहर में 90 मील दूर इस द्वीप में दुनिया भर के सबसे अधिक प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। रिसर्च बताती है कि स्नेक आइलैंड या एला दा क्यूइमाडा ग्रांडे में प्रति वर्ग मीटर लगभग 5 सांप है। कहा जाता है कि ब्राज़ील के इस आइलैंड पर कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि इंसान के मांस को भी पिघला सकते हैं। ये द्वीप दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां गोल्डन लांस हेड वाइपर सांप और दुनिया का सबसे जहरीला सांप ब्रोथोटेस पाया जाता है। पर्यटकों के लिए जोखिम और लांस हेड जहर की कालाबाजारी के कारण ब्राज़ील सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।